हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। अभी मैं नानजिंग के जियांगजी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और जियांगजी नानजिंग के सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट में से एक है और सबसे जो नई बनी वाली आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा यहीं पर है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इन्होंने बिल्कुल स्क्रेच से ही बनाया हुआ है। यहाँ पर आप जितना भी घूम लेते हैं, आपको एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी जो पुरानी हो। नानजिंग बहुत ही पुराना सिटी है, इनकी बहुत ही तारीख है और ये कैपिटल भी रहा है तकरीबन 5 डायनेस्टीज़ का। तो उस हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने इमारतें हैं और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक उनको रिनोवेट नहीं किया हुआ। डाउनटाउन में भी अब जाते तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने घर है, पुराने बिल्डिंग्स हैं, तो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, उन्होंने रिनोवेट नहीं किया हुआ। लेकिन जो जियांगजी डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको इन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच बनाया हुआ है। यहाँ पे हर बिल्डिंग बहुत ही नई बनी हुई है। जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल नई बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज हैं, बैंक्स हैं और इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये एक डेवलप एरिया है, यहाँ की जो रोड्स है सारी चीज़ें बहुत ही डेवलप्ड हैं बाकी नानजिंग से। मतलब आपको जब आप बाकी नानजिंग में घूमते हैं और जियांगजी आते हैं तो आपको एक डिफरेंट साफ नज़र आता है। तो यहाँ पे लोग जो रह रहे वो भी अमीर है, मतलब अमीर लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो बड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आपने घर लेना हो जो भी हो तो एक्सपेंसिव है बाकी नानजिंग से। तो आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं ये पूरा एरिया आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ और रमज़ान भी है तो ये मैं पूरा दिखा देता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त लगेगा आप लोगों को भी। यहाँ पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही, बड़े मॉल्स बन रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। इन्होंने एक IFC मॉल है वो बना रहे हैं अभी, जिसमें बड़े ब्रांड्स होंगे सारे, जिस तरह नानजिंग में तीजी प्लाजा है जहाँ पे ये वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, तो ये अभी कंस्ट्रक्शन है। इसके रूफटॉप पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो वो भी बड़ी प्यारी जगह बन रही है। ये अब देख ली ग्रीनरी शुरू हुई है तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और इधर बैंक्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ही नई जगह बनी हुई है। यहाँ की वाइब्स ही अलग हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लीटली अलग है। इसके बिल्कुल साथ ही ये जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, मतलब यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और इसके बिल्कुल फ्रंट पे ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे लोग काम करते हैं, बैंक्स हैं, कंपनीज हैं। ये बिल्डिंग्स के दरमियान में उन्होंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। एयर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और इधर बहुत सारे शॉप्स भी हैं, मतलब अगर कोई यहाँ पर कंपनीज में काम करता है तो उनको नीचे आके बहुत सारे खाने पीने के, शॉपिंग के फैसिलिटीज़ भी दी हुई है। यहाँ पे जितनी भी आप स्टोर्स देख रहे हैं, फार्मेसीज भी हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये जो एरिया है ये इधर बैठने के लिए जगह बनी हुई है जहाँ पर आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं अपने ब्रेक टाइम्स को। उधर लॉसन भी है, वहाँ पे भी कन्वीनियंट स्टोर है, तो खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाती हैं। और इसके बिल्कुल साथ में वहाँ पर बस स्टेशन भी है और ये भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। इसमें भी खैर ऑफिस होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग इस तरह रेजिडेंशियल होते हैं। अभी भी वहाँ पे ये पानी दे रहे हैं दरख्तों को। अब ये भी इधर सामने बिल्डिंग बन रहा है, ये इसके साथ जो है ये सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। और ये इसके पीछे ये मॉल है, ये मॉल है और ये एक, ये भी अभी प्रॉपर अंदर से रेनोवेट हो रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ी एक लैंडमार्क के तौर पर तस्वीर की जाती है। चाइना ने बाकी हर फील्ड के अंदर बहुत ही तरक्की की हुई है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें या और टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से आप देखा जाए, ट्रेड देखा जाए, जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और ये है इन लोगों में कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये भी है कि ये लोग थकते नहीं हैं, ये पता नहीं अजीब सी बातें हैं। हम लोग जब थोड़ा भी काम कर लेते हैं हम कहते हैं यार हमें रेस्ट करना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चाइनीज़ लोग जितना भी काम कर लें थकते नहीं हैं। मुझे याद है मैं मेरा एक दोस्त था, उसने उसका अपना रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया था। तो मैं वहाँ पे गया तकरीबन शाम 5 बजे, ये डिनर कर लेते हैं 5 से 6 बजे। तो उसने मुझे कहा कि चलो वेट कर लो, मेरे बच्चे आ रहे हैं और फैमिली वाले आ रहे हैं, उनको पिक कर रहे हैं स्कूल से 6 बजे, तो वो आते तो इकट्ठे कर लेते हैं। मतलब सुबह जाके
शाम 6 बजे वो स्कूल से आते, छुट्टी होती तो छुट्टी हो के वो आ गए, हम साथ बैठ गए, हमने खाना खाया। खाने के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में, घर नहीं गए, रेस्टोरेंट के बैक बेंच पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना होमवर्क स्टार्ट किया। उसी दौरान मतलब कभी ना बेड पे लेटे, उसी दौरान फौरन आ गए, हमारे साथ बैठ गए टेबल पे, खाना खाया। और उसी टेबल में भी जब वो खुद चावल वगैरह लेने होते, क्योंकि ये लोग चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग रोटी बहुत यूज़ करते हैं, तो वो खुद उठते थे अपने लिए चावल लेके आते थे। हर बंदे ने खुद उठना होता था, ये भी है इन लोगों के अंदर। तो मैं हैरान रह गया कि यार ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनका भी दिल करता होगा कि हम गेम शेम खेले सारी चीज़ें, हालांकि फ़ोन भी उनके पास होते हैं लेकिन स्टडी के वक्त वो स्टडी करते हैं और काम के वक्त काम करते हैं, और जो फ्री टाइम होता है उसमें पर अपनी मर्जी की गेम शेम खेलते। इन्होंने यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा ही बाइक यूज़ करते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन्होंने शुक्रिया कि इधर साइड पे एक जगह में खड़ी करके रखी है, तो बाकी जो रोड्स है या जो एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन बाकी नाजिंग में इस तरह नहीं है, इन्होंने हर जगह पे खड़ी कर रखी होती है इसको, तो जगह कितनी भी खूबसूरत हो तो इसी वजह से थोड़ी अजीब सी लग रही होती है। ये देखिए बाकी वो सारा एरिया कितना साफ लग रहा है, सिर्फ इसी एरिया में ये है। अब ये पूरा इनका फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर सारे आपको शॉप्स मिलेंगे, जो टी मिल्क टी होती है ये मिल्क टी की शॉप से बड़े फेमस है, और यहाँ पर बहुत सारे कुजीन हैं, चाइनीज़ भी हैं, अभी तो मुझे सारे चाइनीज़ लग रहा है, आगे देख के पता चलेगा कि और भी हैं। हाँ उधर पिज़्ज़ा हट भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सारा इतना लंबा ही इन्होंने फूड स्ट्रीट बनाया हुआ है। ये इधर तक ये पहली भी है, और इस तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमेशा बारबर शॉप के बाहर ही लगे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये बारबर शॉप ओपन है, अगर ये नहीं चल रहे होते तो इसका मतलब ये कि शॉप बंद है। और ये सामने डक देख ले आप, ये डक पता नहीं क्यों इतने पसंद करते हैं ये लोग, मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर बहुत सारे लोग इसको पसंद कर देते हैं। ये जितना भी ये फूड स्ट्रीट इन्होंने बनाया हुआ है ये है बहुत ही पहला हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे चाइनीज़ ही हैं। मैंने वो लेबल देख लिया, वो लोगो मुझे दूर से लग रहा था कि पिज़्ज़ा हट का है, लेकिन वो भी चाइनीज़ था। तो बेकरी मुझे मिली, वो भी मुझे लगता है चाइनीज़ बेकरी थी, लेकिन वहाँ पर केक्स वगैरह सारे मिल रहे थे, तो यू कैन कंसिडर एज अ यूरोपियन, ये चीज़ें केक्स वगैरह सारे वही पेरिस वाली होती हैं, बट यहाँ पे सारी फूड जो है ना वो आपको चाइनीज़ मिलता है इसी एरिया में। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाकी फूड नहीं मिलता, हर किस्म का फूड इस रेस्टोरेंट में मिलता है, और स्पेशली ये मशहूर है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसके लिए। तो यहाँ पर साइड पे बड़े ज़बरदस्त कैफेज़ भी बने हुए हैं, आप लोगों ने शायद मेरे लास्ट ब्लॉग्स अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने दिखाया भी है, इधर मैं गया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कैफेज़ बने हुए हैं, सारी वेस्टर्न चीज़ें उधर मिल जाती है, मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो इस तरह भी परेशानी वाली बात नहीं है, चीज़ें सारी मिल जाती हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अभी मैं पहुंचता हूं अपनी यूनिवर्सिटी के अफ्तारी के लिए, मैंने पहुंचना है, कल रात के व्लॉग में आप लोगों ने देखा मैं
अफ्तारी के लिए पर नहीं पहुंचा क्योंकि 6 बजे यहाँ पे 6:20 पर अफ्तारी होती है। तो और ये कि यहाँ से डिस्टेंस भी दूर है, नानजिंग बहुत ही बड़ा सिटी है तो यहाँ पे भी जाना होता है, बड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं पहुँच रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी जल्दी जल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।